नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका एक बार फिर से क्रैक कंपटीशन के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं सौरभ चौधरी ले आया हूं आपके लिए फिर से कुछ रीजनिंग के धमाकेदार क्वेश्चंस। तो चलिए, जैसे कि हमने रीजनिंग में हम कर रहे हैं अभी नॉन वर्बल की सीरीज चला रखी है, जिसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि मिरर इमेज, वाटर इमेज और कंप्लीशन ऑफ फिगर, यानी कि कोई फिगर पूरी करना आधी दे रखी हो, या फिर तीन हिस्सा दे रखे हो फिगर के, एक हिस्सा और जोड़ना। वो आज हम करेंगे ये वाला। हम करके आ चुके हैं, हम सबसे पहले हमने करा था एनालॉजी, फिगर एनालॉजी जिसको बोलते हैं, यानी कि दो फिगर दे दी, फिर उनसे तीसरी बतानी क्या आएगी नेक्स्ट, व्हाट्स द नेक्स्ट। फिर हमने उसके बाद करा मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये दोनों सेम ही टॉपिक होते हैं, बस नाम अलग है। मिरर इमेज में मिरर राइट या लेफ्ट रख देते हैं, वाटर इमेज में नीचे की तरफ रख देते हैं, वही होता है सेम। आज हम करेंगे कंप्लीशन ऑफ फिगर, यानी कि फिगर के दो या तीन पार्ट दे रखे होंगे, आपको बचे हुए पार्ट उसमें ढूंढ के लगाने कि हाँ ये इससे लगा के फिगर कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक बार हमारे चैनल का नाम है क्रैक कंपटीशन 1 2 3, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक बार, कि जैसे फिगर दे रखी है आपको, एक क्वेश्चन फिगर है दिख रहा है, एक क्वेश्चन फिगर है, इसमें आपको ये वाला हिस्सा ढूंढना है, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा ढूंढना है इन चारों में से कि कौन सा यहाँ पे लगेगा। तो सीधा सीधा आपको मैं ऐसे समझाता हूँ पहले, कि जैसे मैं खुद पेपर में होता तो मैं कैसे करता, मैं इन क्वेश्चन को कैसे जल्दी से जल्दी करने की ट्राई करता, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप ये देखोगे कि जो यहाँ पे फिगर आएगी, ये एक सर्कल बन रहा है ऐसे करके, तो क्या ये सर्कल पूरा बनेगा ऐसे करके, बनेगा ना। तो यानी कि लेफ्ट कॉर्नर में नीचे की तरफ सर्कल होगा, वो ए में है, बी में नहीं है, बी में ऊपर की तरफ, तो बी काट दो, सी में है, डी में है, ठीक है मान लिया। और देखो अब बाकी के से कंपेयर करो ना, एक देखो यहाँ से नीचे से देखते हो, चलो एक बार, वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, तो ऊपर क्या आना चाहिए यहाँ पे, छोटा सा वाइट और फिर एक ब्लैक, वाइट और ब्लैक। व्हाइट किस में आ रहा है, छोटा, देखिए ए में आ रहा है व्हाइट और फिर ब्लैक, इसमें उल्टा हो गया सी में, और डी में तो एक ही है। तो कितनी जल्दी मैंने आपको ये आंसर बता दिया कि इसका आंसर ए है। और वो कैसे बताया, सिर्फ दो चीज़ें देख के, कि एक तो जो सर्कल है वो लेफ्ट में आएगा, भाई बी में नहीं था, ए में था, सी में था, डी में था, लेफ्ट में ये सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे है ये रहा। दूसरा, मैंने यहाँ से एक बार काउंट करता चला, यहाँ पे वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, फिर यहाँ पे वाइट आना चाहिए और यहाँ पे ब्लैक आना चाहिए, देखिए ऊपर वाइट आ रहा है और फिर ब्लैक आ रहा है, तो बहुत अच्छे, ठीक है ये ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए, ये वाले क्वेश्चन मेरे को बताइए जल्दी से जल्दी। अब जैसे मैंने आपको सिखाया ना कि सबसे पहले क्या देखते हैं, कि क्या चीज़ किस तरफ भी सेंटर में क्या आना चाहिए, सबसे पहले ये देखो और फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन करो, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए सभी बच्चे। चलिए इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। देखिए बहुत इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। फिगर किधर की गायब है हमारी, इधर की फिगर गायब है, ठीक है। तो बीच में स्क्वायर आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, एक स्क्वायर आ रहा होगा। कौन कौन सी फिगर में आ रहा है, देखिए ए में स्क्वायर आ रहा है, लेकिन स्क्वायर कट रहा है, बीच की लाइन दिख रही है, क्या यहाँ पे कोई सा भी स्क्वायर कट रहा है, जी नहीं कोई सा नहीं कट रहा, तो ए कट गया, ए नहीं है हमारा आंसर। और इसमें तो स्क्वायर राइट में हो गया, सी भी नहीं है, सिर्फ बचा बी और डी। अब बी और डी में डिफरेंस देख लो, क्या चीज़ डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है, दोनों फिगर सेम है, सिर्फ ये डिफरेंट है कि इस फिगर में यहाँ पे लाइन जा रही है और इस फिगर में यहाँ पे लाइन जा रही है। अब हम क्वेश्चन फिगर में देखते हैं, क्या हमारी लाइन ऐसे है, नहीं ना, हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की ओर है, यानी कि ये बी ऐसे ऊपर की स्ट्रेट तरफ लाइन है, किधर लाइन है, ऊपर की तरफ लाइन है, तो हमारा डी भी कट गया, हमारा राइट आंसर क्या हुआ, बी राइट आंसर हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए ये ऐसे बनेगा, ऐसे ऐसे जाएगा पूरा, और फिर ये लाइन आएगी इधर ऐसे, और ये लाइन तो सीधी आएगी आएगी, और ये लाइन जाएगी ऐसे करके और फिर ऐसे, तो ये हमारी कुछ फिगर बनेगी, ठीक है। वो फिगर किस में बन रही है, वो फिगर बन रही है बी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए बहुत अच्छे, आगे ट्राई कीजिए, बहुत क्वेश्चन है अभी, तो
जल्दी जल्दी ट्राई कीजिए, सही आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। खुद अपनी कॉपी पेन लेके बैठिए और ये देखिए कि मैंने अगर आपको 20-25 क्वेश्चन करा तो इनमें से आपने कितने सही आंसर दिए। जल्दी से देखिए, इस फिगर में बताइए क्या आएगा। जल्दी बताओ, देखिए इसको अगर हम अपने मन में चार पार्ट में डिवाइड करें, चार पार्ट में कैसे डिवाइड करें, ऐसे करें कि एक ये हो गया, एक ये और एक ये, अगर ऐसे हम इसको चार पार्ट में डिवाइड करें तो देखिए ऊपर वाले दोनों पार्ट सेम है, ये वाला पार्ट इससे बिल्कुल सेम है नहीं है, जी हाँ बिल्कुल सेम है ये वाला पार्ट इससे। अब देखिए नीचे वाला पार्ट इससे सेम होना चाहिए तभी तो बात बनेगी। नीचे वाले पार्ट में क्या है, सिर्फ दो स्पेस हैं, एक ही और एक स्पेस में सर्कल है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ और इसमें एक सर्कल ला दूँ तो क्या ये फिगर वही बन रही है? देखिए बी नहीं होगा, सी नहीं होगा सर्कल, क्योंकि राइट में है, राइट में सर्कल डी में है और ए में है। अब देखिए डी में जो लाइन है थोड़ी अंदर को खिंच रही है, तो क्या हमारी लाइन अंदर को है? जी नहीं, हमारी लाइन तो बिल्कुल यहाँ पे है, बिल्कुल सेंटर में, तो हमारा ए राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा। इन छोटी छोटी गलती की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में हड़बड़ाहट में ये लगा के अच्छा हाँ बी डी 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 बिल्कुल हमें सेम दिखाई दे रहा है तो डी लगा देते हैं। ऐसा नहीं, एक बार ध्यान से देखिए कि डी और ए दो एक जैसे हैं, इनमें फ़र्क क्या है? कुछ ना कुछ फ़र्क, एक ऐसा छोटा सा फ़र्क दे रखा होगा इन्होंने जिस फ़र्क को आप नहीं देख पाओगे ये लगा दोगे, और होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि ये लगा के आ जाते हैं। तो जल्दी 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 में मत करना, एक बार ध्यान से देखना फिर करना। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, इसमें बताइए जल्दी से आंसर क्या हो सकता है, मेरे को इसमें आंसर बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। सभी बच्चे जल्दी देखिए वही है, आपको पहले सेंटर में देखना क्या आएगा, और एकदम बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा इसमें ना रोटेट नहीं होती फिगरें, जो फिगर आपको जहां बनानी है ना, जैसे मतलब कि देखो यहाँ पे जो भी फिगर आएगी, यहाँ पे जो भी फिगर आएगी वो ऐसी की ऐसी यहाँ पे रखी होगी, कोई रोटेट नहीं होगी, कोई नहीं घूमेगी, कुछ नहीं होगा, ऐसी की ऐसी वो फिगर यहाँ पे रखी रहेगी, ठीक है। चलिए देखिए अब जरा देखिए यहाँ पे सर्कल कंप्लीट होना चाहिए, सर्कल कंप्लीट होना चाहिए तभी फिगर बनेगी, ठीक है आपकी बात मानते हैं। तो सर्कल लेफ्ट में किस में है, क्या इसमें यहाँ पे कोई सर्कल है? नहीं है। क्या इसमें है? नहीं है। क्या इसमें है? जी हाँ इसमें है। क्या इसमें है? जी इसमें नहीं है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। किस में था सर्कल? ये देखो ना, ये रहा, किस में था? सिर्फ सी में सर्कल था, तो हमारा राइट आंसर भी सी ही होगा, राइट आंसर भी सी ही होगा। बहुत अच्छे, सिर्फ एक चीज को देखा हमने कि सर्कल बीच में होना चाहिए लेफ्ट हैंड की तरफ, तो लेफ्ट हैंड की सर्कल, लेफ्ट हैंड की तरफ सर्कल सिर्फ सी में और किसी में नहीं है, तो हमारा राइट आंसर इज सी। चलिए जल्दी वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जरा, इस क्वेश्चन में देखिए फिगर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अच्छा बाकी तीनों पार्ट से कंपेयर करे करो, वो जो मिसिंग पार्ट होता है ना उसको बाकी तीनों पार्ट से कंपेयर करे करो कि क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है। जल्दी देखिए, देखिए बाकी तीनों पार्ट से अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक सर्कल एक तो ऐसे बनेगा स्क्वायर, और इससे जो लाइन टच हो रही है बिल्कुल ऊपर टच हो रही है टॉप पे। अब टॉप पे लाइन किस किस में टच हो रही है? देखिए टॉप पे लाइन सी में टच हो रही है और ए में टच हो रही है, बी में नहीं हो रही और डी में नहीं हो रही, तो हम इन दोनों को काट देंगे यहीं। बी में नहीं हो रही और जी हाँ ठीक है, मैं कुछ और देख रहा था, बी में नहीं हो रही और इसमें नहीं हो रही, इन दोनों को काट देंगे, ठीक है। बचा ए और सी, अब ए और सी में से बताओ क्या हो सकता है। थोड़ी सी और अगर हम फिगर को कंप्लीट कर लें तो ऐसे ऐसे और फिर एक लाइन ऐसे, यानी कि ऊपर की तरफ तो दो, ऊपर की तरफ तो दो, एक येरी एक येरी एक येरी। हाँ एक चीज़ और, क्या ये क्रॉस कर रही है इसको? देखो यहाँ पे क्रॉस कर रही है ना, यहाँ पे देखो क्रॉस कर रही है ना, जो लाइन है ए और सी में क्या डिफरेंस है? अब आपको सिर्फ क्या देखना बेसिकली कि ए और सी में क्या डिफरेंस है। जो सी है उसमें लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और बाहर के कॉलम तक मिल रही है, क्या ये लाइन देखो यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे रुक गई और यहाँ पे रुक गई, तो यहाँ पे भी रुकी है ना ये रुकी, तो क्या होगा? ए आपका राइट आंसर होगा ना कि सी, आपका सी भी कट जाएगा। चलिए बहुत अच्छे,
थोड़ी सी सिर्फ विजुलाइजिंग पावर होनी चाहिए आपके लिए, क्वेश्चन कुछ भी नहीं होंगे, ऐसे फ्री के नंबर बांट रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन से हैं। नॉन वर्बल तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मुझे लगता है भाई, क्योंकि विजुलाइजिंग पावर के ऊपर बात है, आप जितना जल्दी से विजुलाइज कर पाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा, विजुलाइज मतलब कितना जल्दी सोच पाएंगे अपने मन दिमाग ही दिमाग में, अच्छा ये यहाँ आ सकता है, ये ऐसे होगा, आप उतना तेज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, इसमें जल्दी से बताइए क्या आ सकता है। विजुलाइज करिए, विजुलाइज क्या क्या हो सकता है। देखिए सर्कल सभी में है, राइट में, राइट कॉर्नर में नीचे की तरफ सर्कल सभी में है ना, यहाँ नीचे की तरफ देखिए बिल्कुल इधर सर्कल सभी में। अब इनमें से ये बताइए, ये जो फिगर है, इन फिगर में मेरे को ये बताइए कि देखिए राइट में तो सबकी तरफ सर्कल हो गया ऐसे ऐसे, एक चीज़ और देखनी है आपको, सर्कल में एक लाइन खींच रही है, वो लाइन कैसे खींच रही है जल्दी से बताइए। सर्कल में लाइन खींच रही है ना, देखिए आपने एक सर्कल ऐसे बना लिया, उस सर्कल में एक लाइन भी तो जा रही है ऐसे, तो ये किस में है, सिर्फ ए और बी में, तो ये दोनों कट गए। अब ए और बी में क्या फ़र्क है, हमें सिर्फ ये देखना ए और बी में क्या फ़र्क है। देखिए ए और बी में दोनों एक छोटे छोटे सर्कल हैं, दोनों सर्कल हैं, एक सर्कल में लाइन ऐसे जा रही है, एक सर्कल में लाइन ऐसे जा रही है ऐसे, बताइए कौन सा होगा। चलिए देखते हैं, देखिए अपोजिट अपोजिट सेम है, ये और ये सेम है, तो ये और ये सेम होने चाहिए, इसमें और इसमें लाइन ऐसे और इसमें इसमें लाइन ऐसे होनी चाहिए, कैसे ऐसे होनी चाहिए, तो ए आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्कल में लाइन ऐसे है ना और यहाँ पे ऐसे जा रही लाइन, तो आपका बी नहीं होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बताइए जल्दी, देखिए दो तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, एकदम सामने सामने दिख रहे हैं मुझे, दो तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, कौन कौन से दो गलत हो जाएंगे, तो देखिए एक तो डी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें राइट साइड की तरफ नीचे को जा रहे हैं, और हमें तो सिर्फ किधर चाहिए, लेफ्ट साइड की तरफ चाहिए, ऐसे करके बीच में ऐसे, तभी तो बन पाएगी हमारी फिगर, देखिए तभी तो कंप्लीट हो पाएगी, चार लाइन लेफ्ट तरफ के ऊपर। एक ए गलत हो जाएगी, ए में इधर को भाग रही है राइट तरफ के ऊपर, हमें चाहिए लेफ्ट तरफ के ऊपर, को यहाँ की फिगर रखी है ना, ये वाली फिगर कौन सी है जो ए में है, ये तो ये वाली साइड होगी, अगर ये वाली मिसिंग होती तो हम एक ही जगह ये रखते है ना, ठीक है। बचे बी और सी, अब बी और सी में देखिए फुल तो है नहीं, सिर्फ गिनती की चार लाइन गायब है, ये देखिए ना एक दो तीन चार, ये चार लाइन गायब है यहाँ की, तो एक दो तीन चार, सी में चार की चार लाइन है, बी नहीं होगा, बी तो ज़्यादा ही भर दिया, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मेरे को जल्दी से बताइए सही बच्चे, आपका राइट आंसर होगा सी। एक बार और देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, एक सेकंड का क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको दोबारा दिखाना चाह रहा हूँ कि आप खुद कितनी तेज कर पाएंगे जल्दी, सिर्फ आपको क्या देखना, एक बार ये देखना मेरे साथ साथ बोलना एक बार, कि देखिए मैं अपने मन से कर रहा हूँ, आपसे मेरे को सुनना, अच्छा यहाँ पे गायब है तो यहाँ पे ऐसे होनी चाहिए, ये तो राइट में जा रही है, ये नीचे जा रही है, ये नहीं होगा, इन दो में से एक होगा, तो इन दो में से कौन सा होना चाहिए, ये तो कुछ ज़्यादा ही भर रही है तो ये नहीं होगा, सिर्फ हमें गिनती की चार लाइन चाहिए, क्योंकि चार ही तो जा रही है, एक दो तीन चार, हाँ चार जा रही, तो हमारा राइट आंसर होगा सी। ऐसे करके बहुत जल्दी से आपको आंसर लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार जल्दी से आंसर लगाइए, बताइए मेरे को। इस क्वेश्चन में क्या होगा जल्दी से देखिए, ऐसी फिगर थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है अगर आपको प्रैक्टिस ना हो तो, लेकिन जिनको प्रैक्टिस हो तो इनको ऐसे कर देंगे। चलिए जल्दी देखिए, अच्छा एक चीज देखिए, सारी लाइनें कहाँ मिल रही हैं, कॉर्नर में मिल रही हैं, यहाँ पे मिल रही हैं, इसमें यहाँ पे मिल रही हैं, इसमें यहाँ पे मिल रही हैं, तो इसमें राइट कॉर्नर में साइड लाइन मिलनी चाहिए, क्या ए में मिल रही है, नहीं ए में तो ऊपर मिल रही है तो ए कट गया, बी में मिल रही है, जी हाँ बी में मिल रही है, सी में नहीं सी में भी ऊपर मिल रही है, डी में नहीं डी में भी ऊपर मिल रही है, तो एक ही बचा, कितना ईजी था, आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा लेकिन कितना ईजी था, सारी लाइनें कहाँ मिल रही हैं, देखिए ये भी यहीं आके मिल रही है, ये भी यहीं आके मिल रही है, और ये भी यहीं आके मिल रही है, तीनों लाइनें कहाँ पे मिल रही हैं, यहाँ पे आके मिल रही है, तो बी आपका राइट आंसर होगा, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, ये वाला जल्दी से जल्दी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सही बच्चे। देखिए और मुझे आंसर बताने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे क्या हो सकता है,
जल्दी से इतना टाइम मैंने दे दिया, बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे देना टाइम इतना। देखिए क्या हो सकता है इसमें, वही चीज़ देखनी है, सिर्फ एक चीज़ देखनी है, उससे आंसर आ जाएगा। क्या है वो चीज़? ये देखिए, ये सारी लाइनें बाहर की तरफ जा रही है, ये सारी लाइनें बाहर की तरफ जा रही है, ये इस कॉर्नर में जा रही है, ये इस कॉर्नर में जा रही है, तो यहाँ पे भी इस कॉर्नर में लाइनें जाएगी ना, राइट कॉर्नर में, डाउन में। इसमें देखिए ऊपर जा रही हैं, तो ये नहीं है, इसमें भी ऊपर जा रही हैं, ये भी नहीं है, इसमें नीचे जा रही है पर लेफ्ट में जा रही हैं, ये भी नहीं है। बच्चा क्या? ए, क्योंकि इसमें ही राइट कॉर्नर में लाइनें नीचे जा रही हैं सिर्फ। राइट आंसर इज ए। ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी से पेपर में भी आंसर लगा के आ जाने हैं। चलिए जल्दी इस क्वेश्चन को और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी देखिएगा। देखिए बच्चों एक बार जल्दी से मेरे को आंसर बताने की कोशिश कीजिए, क्या होगा? मेरे को नहीं, अपने आप को बताने की कोशिश कीजिए क्या होगा। मेरे को तो आप तब बता पाओगे जब लाइव क्लासेस चले करेंगी, और वो भी बहुत जल्द चलेंगी, जैसे ही हमारा चैनल मोनिटाइज हो जाएगा, हम आपके साथ लाइव जुड़ पाएंगे, तब हम आपके आंसर टाइम टू टाइम एकदम देख पाएंगे, उसमें ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ाने में। देखिए फिगर बननी चाहिए, जो ये स्क्वायर होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। विजुलाइज अगर आपने कर लिया दिमाग में, अगर सोच लिया कि ऐसा होना चाहिए, तो देखोगे कोई बीच में लाइन नहीं जा रही, कोई लाइन नहीं जा रही, ये इन्होंने फालतू में लाइन दे रखी है, तो सी भी कट गया, डी भी कट गया, और स्क्वायर कहाँ पे है? सिर्फ बीच में, ऊपर की तरफ नहीं है। तो क्या आंसर होगा? राइट आंसर, सिर्फ सोचने की पावर, एकदम से आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, चलिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सभी बच्चे। देखिए अगर मैं इस फिगर को डिवाइड करूं, कैसे? ऐसे अगर मैं इस फिगर को डिवाइड करूं फोर पार्ट्स में, कितने पार्ट्स में? फोर पार्ट्स में, तो मुझे बताइए इनमें से कौन सा हो सकता है? इस पार्ट से ये वाला पार्ट मिल रहा है, जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है, तो इस पार्ट से ये वाला पार्ट मिलना चाहिए, यानी कि यहाँ से सिर्फ लाइनें जानी चाहिए, ऐसे करके चार लाइन जानी चाहिए, और यहाँ पे बनने चाहिए दो स्क्वायर से, दो स्क्वायर से। अब लाइनें नीचे की तरफ राइट में जानी चाहिए, इसमें तो बिल्कुल नीचे जा रही है, ये नहीं है, इसमें जा रही है हाँ राइट की तरफ नीचे को, इसमें भी जा रही है राइट की तरफ नीचे को, इसमें ऊपर को जा रही है, तो ये भी नहीं होगा। दो बचे, अब इन दो में हमें कितनी लाइन चाहिए? गिनना, मैंने कितनी बनाई है? एक दो तीन चार, किस में है चार लाइन? एक दो तीन चार। बी में आपकी चार लाइन है, बिल्कुल सही। क्या सी में आपकी चार लाइन है? जी नहीं, सी में हमारी सिर्फ एक दो तीन लाइन है, तो हमारा सी भी कट गया। क्या हुआ राइट आंसर हमारा? राइट आंसर इज बी, हमारा बी राइट आंसर हुआ। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट फिगर देखिए, इसमें मेरे को बताने की कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी क्या होगा। इस फिगर में को बताइए जल्दी से जल्दी क्या आंसर होगा बच्चों? देखिए सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या देखनी है? ये जो घंटी सी बन रही है ना, ये देखिए, ये वाली घंटी मेरे को देखेगा ना, मेरे हाथ को, ये वाली घंटी पूरी करनी है हमें, यहाँ पे भी, कहाँ पे? यहाँ पे भी, मतलब ऐसे करके कुछ, अच्छा ज़्यादा हो गया, रुको, ऐसे हल्का सा ले आना है, फिर ऐसे नीचे ले आना है, फिर ऐसे बाहर, और फिर ऐसे, ये घंटी पूरी करनी है, और बीच में एक डॉट सा, ये किस में? ये सिर्फ सी में है, बाकी देखिए यहाँ पे कितनी पतली है, एक में डॉट नहीं है, तो एक बहुत पतली है, एक में डॉट है, इसमें है, तो हमारा सी मुझे लग रहा है क्योंकि सेम है। देखिए ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, आपका डी भी नहीं होगा, और बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो ये बन रही है ना, ये घंटियाँ, इनकी शेप सही नहीं बन रही, जो हमारी शेप है वो ये होनी चाहिए, ऐसे 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 और फिर मिलना, बाकी में ऐसी किसी की शेप नहीं है, तो हमारे ये सारे कट गए, ए भी कट गया, बी भी कट गया, सिर्फ हमारा राइट आंसर क्या हुआ? सी इज़ द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें बताइए मेरे को क्या आना चाहिए। गुड क्वेश्चन, जल्दी देखिए। देखिए
ये आपका एक स्टार टाइप बना रखा है, अगर इसको हम यहाँ से ऐसे टच करें ऐसे, और इस वाले एरिया को ब्लैक कर दें, किसको, इस वाले एरिया को ब्लैक कर दें, अच्छा ब्लैक ही करके दिखा, नहीं फिर आपको दिखेगा नहीं, इसको ऐसे ब्लैक कर दें तो हमारी फिगर पूरी होगी, तो हमारी फिगर पूरी होगी। अब ये बताइए किस में आ रहा है कि ब्लैक और फिर मतलब ऐसे ऐसे करके कोई ब्लैक और फिर ऐसे करके लाइन जा रही हो, ये सिर्फ ए में आ रहा है, बी में आ रहा है लेकिन बी में नीचे को आ रहा है, हमें चाहिए ऊपर की तरफ, तो बी भी नहीं होगा सी भी नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, डी भी नहीं होगा क्योंकि हमें दो नहीं चाहिए सिर्फ एक चाहिए, तो राइट आंसर हमारा इसमें ए राइट आंसर, क्योंकि देखिए फिगर मैंने बना दी है ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला फिगर, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए, बताइए मेरे को जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन करके देखिए क्या आंसर आना चाहिए, मुझे जल्दी से बताइए, कुछ भी नहीं करना, इतना आसान है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक चीज देखूंगा, सिर्फ एक चीज देखूंगा और आपको भी वही चीज देखनी है और एकदम आपका आंसर आ जाए। क्या देखूंगा कि बीच में सर्कल है ऊपर लेफ्ट की तरफ, ऊपर लेफ्ट की तरफ सर्कल है, बीच में ऊपर लेफ्ट की तरफ सर्कल है क्या, नहीं ऊपर की तरफ सर्कल है क्या, नहीं ऊपर की तरफ है पर राइट की तरफ है, ये देखिए ना, नहीं ये भी नहीं है, हमें किधर चाहिए, हमें चाहिए ऊपर लेफ्ट की तरफ सर्कल, जो कि देखिए ये रहा, ये तभी तो यहाँ का पीस बनेगा, इसको हम उठा के यहाँ पे तभी तो रख सकते हैं, तो हमारा डी इज द राइट आंसर, और इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, ये तीनों गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, क्वेश्चन फिगर आपके आ गए, सिर्फ ये देखिए कि हमें किस तरफ को कंप्लीट करना है, हमें स्क्वायर चाहिए, वो भी किस तरफ को, राइट की तरफ को स्क्वायर चाहिए, राइट ऊपर की तरफ, क्या इसमें राइट की तरफ स्क्वायर है, नहीं इसमें तो किस तरफ स्क्वायर है, नीचे की तरफ, और वो भी लेफ्ट, इसमें इसमें तो कोई स्क्वायर ही नहीं दिख रहा मुझे, सिर्फ आधा सा ही दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, इसमें स्क्वायर है लेकिन कहाँ है, ऊपर की तरफ लेफ्ट में, हमें किस तरफ चाहिए, ऊपर की तरफ राइट में, जो कि किसमें, ए में है, जो कि ए में है, बी में नहीं है, बी भी गलत, डी भी गलत, सी भी गलत, राइट आंसर इज ए, क्योंकि देखिए इसमें स्क्वायर हमें किधर को चाहिए, ऊपर की तरफ राइट में स्क्वायर चाहिए, जो किसमें बन रहा है, ऊपर की तरफ राइट में, ये बन रहा है, दिख गया ना। चलिए बहुत अच्छे, ये देखिए क्वेश्चन फिगर आपके आगे, अब मुझे बताइए इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं हम, जल्दी बताइए, देखिए फिगर में क्या गायब है, पहले सोचिए फिगर में गायब है, यहाँ की फिगर, ये फिगर गायब है, ये फिगर कैसे बनेगी, ऐसी बनेगी कुछ, अगर मैं सोचूँ तो एक ट्रायंगल छोटा सा इधर आएगा और एक फिर नीचे ट्रायंगल इधर आएगा, ठीक है, और उनको एक लाइन से ऐसे जोड़ देंगे, ये बननी चाहिए हमारी फिगर, यानी कि एक बड़ा ट्रायंगल ऐसे और एक छोटा ट्रायंगल ऐसे उल्टा, ये फिगर बननी चाहिए हमारी, जो कि इसमें नहीं बन रही, इसमें बन रही है लेकिन देखिए छोटा ट्रायंगल जो ऊपर की तरफ है वो लेफ्ट में दिखा दिया, हमें तो राइट में चाहिए, ये भी नहीं है, हाँ ये बन रही है और ये तो नहीं है, तो दोनों बराबर हुए, सिर्फ हमारी सी सी इज़ द राइट आंसर था, सिर्फ हमारी सी में ही ऐसी फिगर बन रही है जिसमें एक ट्रायंगल नीचे की तरफ और एक छोटा ट्रायंगल उसके ऊपर। चलिए बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन में देखिए जल्दी से क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन में देखिए जल्दी से क्या आंसर होगा, मुझे बताने की कोशिश कीजिए, देखिए कर पाए आप इसको, सिर्फ ये देखो आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसी फिगर चाहिए ऐसी जिसमें एक ऐसे स्क्वायर आ रहा हो, और ये देखिए एक फिर ऐसे भी, ये भी तो मिल रहा है, ये भी तो मिल रहा है ना उससे, ऐसे भी जाना चाहिए वो, और क्या है, और कितनी लाइन आ रही है आप ये गिनिए एक बार, हर एक फिगर में गिनिए कितनी लाइन आ रही है, एक लाइन ये मिल रही है यहां से आ रही है, एक लाइन ये जा रही है ऐसे, और है कोई, दोबारा मिटो, ये देखिए मैं बता दूं कैसे करते हैं इसको, ये देखिए जो लाइन आ रही है, जैसे देखिए यहां से ये लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन आ रही है ऐसे आ रही है, और ये ऐसे जाते जाते कहां तक जाएगी, ऐसे जाएगी ऊपर तक, ठीक है, दूसरा देखिए एक लाइन आ रही है किधर को, ये आ रही है, तो ये कहाँ जाके मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ठीक है, अगला देखिए एक लाइन आ रही है ये कहाँ जाके मिलेगी, इधर, ठीक है, तीन लाइन मिल गई, और कोई सी लाइन आती हुई दिख रही है आपको, क्या और कोई सी लाइन आती हुई दिख रही है आपको,
जल्दी बताइए जी। हाँ देखिए, एक लाइन ये ऐसे जा रही है, इधर से भी एक लाइन ऐसे जा रही है वाली, ये पूरी कंप्लीट नहीं करी हमने, ऐसे जा रही है, ठीक है, कंप्लीट हो गई। और कोई सी लाइन, तभी तो हमारी फिगर कंप्लीट हो पाएगी। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा टाइम लगाने वाला क्वेश्चन है, जल्दी देखिए। क्या मैं ही मिस कर रहा हूँ या फिर आपको भी एक लाइन मिसिंग दिख रही है इसमें? अच्छा हाँ ठीक तो है, ये लाइन ऐसे। देखिए भाई टोटल कितनी लाइन हो गई, गिनना, एक दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, गिनना, 1 2 3 4 और एक पांच, ये जो ऊपर से स्क्वायर बन रहा है, पांच लाइन किसमें है? 1 2 3 4 5 है, लेकिन क्या ऐसे ऊपर से कोई लाइन आ रही है? नहीं, तो एक कट गया यहीं। इसमें देखिए 1 2 3 4, क्या हमारी चार है? नहीं। इसमें देखिए 1 2 3, ये भी कट गया। इसमें देखिए 1 2 3 4 5, हाँ ये है, और एक लाइन क्रॉस हो रही है, ये देखिए ये वाली, तो ये हो रही है वाली। हमारा डी इज़ द राइट आंसर, बहुत अच्छे, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से जल्दी, कितने जल्दी कौन कर पाएगा, मेरे को देखना, जल्दी देखिए कैसे करते हैं। देखिए मेरे को देखिए, बीच में सर्कल है, बीच में सर्कल है, और एक स्टार भी आएगा, बस ये देखना सर्कल और स्टार कहाँ है बीच में। देखिए इसमें तो नीचे चला गया, इसमें ऊपर है, इसमें भी नीचे चला गया, इसमें ऊपर है, लेकिन इसमें स्क्वायर आ गया, हमें क्या चाहिए? सर्कल। तो हमारा राइट आंसर इज बी, नॉट डी। चलिए बहुत अच्छे, देखिए बच्चों दो क्वेश्चन, सिर्फ दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे को इसका राइट आंसर बताना कमेंट बॉक्स में, जल्दी से जल्दी क्या हो सकता है ये वाला क्वेश्चन। और फिर एक ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी बच्चे। चलिए इन सभी का मेरे को आप आंसर स्क्रीन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगी हो तो, बस उससे मेरे को पता लग जाए कि हाँ आपको क्लास समझ आ रही है, अच्छी लगी है। दूसरी बात देखिए, कई बार हम टीचर्स को जज करने लग जाते हैं, तो जज नहीं करना चाहिए टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स, हर एक टीचर सही पढ़ाता है, उसको नॉलेज है वो तभी पढ़ाता है। बात इतनी होती है, सिर्फ छोटी सी बात होती है कि क्या हमको उस टीचर का समझ आ रहा है। अगर आपको समझ आ रहा है आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को नहीं आता, टीचर वो तभी बना जब उसको नॉलेज है, लेकिन क्या वो उस नॉलेज को आप तक पास कर पा रहा है, उससे डिफाइन होता है कि वो अच्छा टीचर है या नहीं। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया हो आपको, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो ये हमारा यूट्यूब का चैनल का नाम है क्रैक कॉम्पिटिशन 1 2 3, प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। चलिए आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।